Hey guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आपको क्राउन की जो सीजन रिवॉर्ड्स देते हैं उसे कैसे कलेक्ट करना है एंड कहाँ पे यूज करना है। काफी लोग कलेक्ट भी कर लेते हैं बट उसको यूज कैसे करना है वो भी नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे मैं उन सभी चीजों को अपने डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी आपकी टीयर रैंकिंग क्या चल रही है, बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है व्यूवर्स है उनकी क्या रैंकिंग चल रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो अभी क्राउन पे हूँ, आपका क्या है कमेंट में जरूर बताना गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। तो यहाँ पे कैसे अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्राउन हो गया है। यहाँ पे मुझे जो है सीजन रिवॉर्ड्स ये नेम टैग मिल रहा है एंड ये जो गोल गोल घूम रहा है इफेक्ट ये मिल रहा है, उसके साथ यहाँ पे कॉइन्स मिल रहा है। तो ये तीनों कहाँ पे यूज़ करना है एंड कभी मिलेगा, तो गाइस मैं बता दूँ आपको ये जो सीजन रिवॉर्ड्स है ये आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, इस सीजन नहीं मिलेंगे। तो रुको, अभी काफ़ी लोग बोलोगे कि नहीं काफ़ी प्लेयर्स को तो मिला है बट वो आगे बताऊंगा कैसे मिला है उनको। बट यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखो, सीजन रिवॉर्ड्स आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे इस सीजन के गाइस। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ याद रखना है। देन यहाँ पे गाइस आप बात करोगे अगर दूसरे यहाँ पे मतलब अगर आपका टीयर माइनस हो जाता है या फिर एज पिछले जाओगे तो भी कोई इशू नहीं गाइस, का जो हाईएस्ट ईयर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सीजन रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अगर आपका हाईएस्ट ईयर क्राउन है उसके बाद आपका माइनस लगे गोल्ड पे आ जाओगे तो अभी आपको ये रिवॉर्ड्स मिलने वाला है गाइस, ठीक है डोंट वरी। एंड हाँ, इसके लिए कोई आरपी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार क्राउन टीयर टच करना है दैट्स इट, फिर आपको सीजन रिवॉर्ड्स मिलेगा। अगर आपने हाईएस्ट ईयर आपका एस मास्टर रहेगा तो एस मास्टर के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देन यहाँ पे गाइस आपको देखो जो कॉइन्स मिलता है ना उसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप सिल्वर फ्रेगमेंट्स एजीज एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स है पुराने वाले रिवॉर्ड्स है वो भी ले सकते हो, जो चाहिए यहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हो। देन गाइस अभी हम लोग बात करते हैं आपको ये जो नेम टैग है एंड ये जो गोल गोल इफेक्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको लॉबी में आना है, लॉबी में गाइस आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। देन सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका टाइटल्स एंड नेम टैग्स। तो यहाँ पे जो भी टाइटल्स है उस पर क्लिक करके उसको इक्विप कर लो, यूज़ कर लो, देन वो इक्विप हो जाएगा। इस तरह से आपको ये जो टाइटल्स है वो लगा सकते हो। देन यहाँ पे गाइस आपको जो ये मिलता है नेम टैग, तो वो भी गाइस आपको नेम टैग का ऑप्शन यहाँ पे देखो नीचे है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड लगा लेना है। ये था आपका नेम टैग और सीजन जो टाइटल्स वगैरह मिलते हैं उसके। तो टाइटल्स आपको एस के बाद ही मिलता है, क्राउन के बाद, क्राउन तक नहीं मिलता है। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी लुका होता है कि उनको रिवॉर्ड्स मिल जाता है वो जो गोल गोल घूमता है बट वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए गाइस आपको इन्वेंट्री में आना है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स में आना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये आपका जो सेटिंग है ये एक्सट्रूड पे या टीयर पे, अगर ये एक्सट्रूड पे है तो उसको आपको टीयर पे सेट कर लेना, फिर आपका जो टीयर वाला गोल गोल इफेक्ट है वो काम करने लगेगा एंड आपको इजीली जो है जो रिवॉर्ड्स है सारे कलेक्ट हो जाएंगे एंड आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई रहेंगी, मैंने ज़्यादा आपको बोर नहीं किया रहेगा, जो भी था वो डिक्टो बताया। तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब मार दो, फटाफट अपन 50K तो कंप्लीट कर ले बिफोर 2024। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।